श्री माँ को नमन करके हमारे दोनों हाथ माँ के सामने करके बैठेंगे। हमें माँ को देखना है पूरे भक्ति के साथ। प्रसन्न चित्त होकर के हमें बैठना है। हमारा पूर्ण चित्त वाइब्रेशंस पे होगा, हाथों पर जो महा से वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो हम दोनों हाथों से खींच लेंगे। हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उसको भी हम धीरे धीरे कम करेंगे। कोई सा भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, उसे हमें छोड़ देना है या त्याग देना है। हमारे हृदय में भी जो अटैचमेंट है उसको भी हम त्याग देंगे। पूर्णतया स्वच्छ हो करके हम माँ को देख रहे हैं। वर्तमान काल में हम बीचों बीच, ना भूतकाल का विचार ना भविष्य का विचार, हम पूरे वर्तमान काल में बैठे हुए हैं। तो हमें लेफ्ट में भी जाना नहीं है और राइट में भी जाना नहीं है, हमें बीचों बीच रहना है। और जब हम बीच में रहते हैं, वर्तमान काल में रहते हैं, तभी हमारी प्रगति होती है ना। तो हमें बीच में रहने का प्रयास करना चाहिए वर्तमान काल में, और वो भी हमेशा। एक घंटे के लिए नहीं है सहजयोग, एक घंटे के लिए नहीं है, पूरे 24 घंटे हम बीच में रहने का प्रयास करना चाहिए। बीचों बीच संतुलन, हमें संतुलन में रहना है। जब हम हमेशा शस्त्रार के ऊपर रहते हैं तो अपने आप हम संतुलन में आ जाते हैं या संतुलित होते हैं। संतुलित व्यक्तिमत्व जिसको बोलते हैं, जो कुंडलनी शस्त्रार के ऊपर है हमारी, तभी ये कार्य हो सकता है। अगर हम सांसारिक चीजों में अटक रहे हैं या हमें विचार बहुत आ रहा है या अटैचमेंट बहुत है, तभी हम लेफ्ट या राइट साइड में चले जाते हैं। तो उसे खींच करके फिर से हम शस्त्रार के ऊपर हमारी कुंडलिनी आनी चाहिए। तो ऐसा प्रयास हमें दिन भर करना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में हम जब सहयोग करते हैं तभी हमें सहयोग का फायदा होता है। खाली एक घंटा करने से या सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, ऐसा ध्यान करने से तो हम आगे नहीं जा सकते ना। दिन भर में हमारा पूरा चित्त कुंडलिनी पर होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए, आत्मा पर होना बहुत जरूरी है। हम माँ को देख रहे हैं और माँ से जो वाइब्रेशंस आ रही है वो हम खींच रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है हाथों पर, हमारी उंगलियों पर महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस या ठंडा कुछ हमारे हाथों पर लग रहा है, ऐसा लगता है। तो उसे हमें अंदर की तरफ खींचना है, खाली ऊपर ही नहीं रहना है, वो वाइब्रेशंस ऊपर की तरफ नहीं रहना है। उसे ऐसा देखना है, हमारे उंगलियों के अंदर जो नस है उस नसों से हम ये वाइब्रेशंस खींचने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास हमारा हमेशा होना चाहिए, जो कुछ भी हो तो वाइब्रेशंस को तो खींचना आना चाहिए ना।
ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब हमारा शस्त्रार खुलता है तो वाइब्रेशंस बहुत जोर से बढ़ने लगते हैं। ये माँ की ही देन है जो हमारा शस्त्रार खुल गया है। तो आज कितने बरस हो गए माँ ने 1970 में हमारा शस्त्रार खोल दिया। तो ये शस्त्रार जो खुला हुआ है वो हमेशा खुला रहना चाहिए, उसे बंद नहीं होना है। हम क्या करते हैं, ध्यान करने का प्रयास करते हैं शस्त्रार में, थोड़ा लगता है, कलेक्टिविटी में भी लगता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमारा चित्त नीचे आ जाता है। हम सांसारिक चीजों में उलझ जाते हैं, या भावनिक हो जाते हैं, या बौद्धिक स्तर पर रह जाते हैं, तभी हम शस्त्रार के ऊपर नहीं रह पाते, या हमारा शस्त्रार खुला है या बंद है ये हम देख नहीं पाते। तो ये जो माँ ने हम पर कृपा की है कि हमारा शस्त्रार खोल के हमें मानव से महामानव बना दिया है, तो इसे हमें महामानव ही बनना है ना। तभी हम महामानव से नीचे आ जाते हैं, मानव भी नहीं होते, पशु की तरह हम कार्य करने लगते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो भगवान ने तो कार्य कर दिया शस्त्रार खोल करके, लेकिन हमारा जो कार्य है वो कुंडलिनी को हमेशा शस्त्रार के ऊपर रहने का, तो वो हमें करना ही चाहिए ना। अगर हमने ये कार्य नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब ये बारी है कि हमारी कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर जा करके विश्व कुंडलिनी को एक रूप होना बहुत जरूरी है। अभी अगर नहीं हुई तो आगे का कार्य बहुत ही कठिन है। उसे हम उस तरह हम जा नहीं सकते उधर, क्योंकि हम टिक नहीं सकते सहयोग में। जब हम शस्त्रार के ऊपर नहीं जाते तो सहयोग में हम टिक नहीं सकते। इसलिए माँ ने जो ये शस्त्रार खोला है तो हमें हमेशा शस्त्रार को खुला ही रखना है, 2400 घंटे हमें प्रयास करना है। वही तो माँ की पूजा है ना। शस्त्रार डे की जो पूजा रहती है वो खाली पूजा करने से हम पूजा नहीं कर सकते, उसे पूजा नहीं मानते, क्योंकि जब तक हमारा पूरा शस्त्रार खुल नहीं जाता, जो माँ ने हमें शक्तियां दी है वो हम धारण नहीं कर सकते, तब तक ये पूजा अपूर्ण ही है हमारे लिए। इसलिए हमें रोज आज से हमें ये तय करना है कि हमारी जो कुंडलिनी है वो हमेशा शस्त्रार के ऊपर रहे, और हमारा जो शस्त्रार है वो हमेशा खुला ही रहे। कैसा खुला रहेगा इसे हमें देखना बहुत जरूरी है, तभी माँ का जो हम पूजन करते हैं वो सचमुच पूजा हो गई, हम ऐसे मानते हैं। तो हमें ये तय करना है कि हमेशा हम शस्त्रार में कैसे रहे, शस्त्रार के ऊपर कैसे रहे, माँ के साथ कैसे रहे, माँ के चरणों में कैसे रहे, इसे हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि शस्त्रार जो है वो माँ का चक्र है, और हम माँ की भक्ति करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो माँ से मिलने के लिए हमें शस्त्रार में आना बहुत जरूरी है। जब हम माँ की भक्ति करती है, जो भक्ति करते हैं हम, तब हमें शस्त्रार में ही होना जरूरी है ना। माँ ने कहा है हमें मिलना है तो शस्त्रार में मिलिए, खाली हमारी पूजा करने से तो कर्म कांड हो गए हैं हमारे। तो माँ को मिलना है तो शस्त्रार हमारा खुला रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा शस्त्रार खुला नहीं है और हम माँ की पूजन कर रहे हैं तो वो पूजा तो पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि माँ ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का ही पूजन करना ये माँ की पूजा करने जैसा है। तो हमें ये खून गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारा जो चित्त है वो हमेशा शस्त्रार के ऊपर रहे, और हमेशा हम माँ के चरणों में रहे। ऐसा हमें
रोजमर्रा के जीवन में करना है आज से। जो शस्त्रार खुला है वो खुला ही रहने का प्रयास हमें करना चाहिए। कुछ भी वजह से, कोई भी वजह हो, हम नीचे नहीं आएंगे। कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, हम शस्त्रार के ऊपर ही रहेंगे। ऐसा हमें वचन माँ को आज देना है, तभी आगे का कार्य होने वाला है। नहीं तो ये निगेटिविटी जो है, या इतना बड़ा जो संकट है, वो हमें सबको निकल जाएगा, निगल जाएगा, खा जाएगा हमें। इसलिए माँ ने जो हमारा शस्त्रार खोला है, तो इसलिए कि हम सभी शस्त्रार के ऊपर रहे और सुरक्षित रहे। इसलिए हमें हमेशा शस्त्रार के ऊपर रहने का प्रयास करना चाहिए। यही माँ की असल में पूजा है। अब हम माँ को देख रहे हैं, धीरे धीरे माँ को देख करके धीरे धीरे हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और पूरा चित्त वाइब्रेशंस पर देंगे। जो हाथों में वाइब्रेशंस बह रहे हैं, उस वाइब्रेशंस को हम अंदर की तरफ खींच लेंगे। हमें यह करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो स्वच्छ होना जरूरी है। स्वच्छता वो अंदर से होनी चाहिए। जब हम शस्त्रार में आते हैं, तब हम स्वच्छ होके आते हैं, तभी तो शस्त्रार में आते हैं। अगर हम स्वच्छ नहीं हुए, हमारे चित्त में भी कोई तकलीफ है या कोई निगेटिविटी है, तो हम शस्त्रार में नहीं आ सकते। इसलिए हमारा चित्त हमेशा स्वच्छ होना जरूरी है। हमारे जो चक्र है, नाड़ियां है, वो शुद्ध होना जरूरी है, और शुद्ध हो करके ही हम शस्त्रार में आ सकते हैं, माँ के चरणों में। तो ऐसे ही हम माँ के चरणों में नहीं आएंगे, हम वैसे ही जाने का प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ जी हमारा, हमें स्वच्छ कर दीजिए, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, माँ से बताते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध नहीं है, तो माँ के चरणों में हम नहीं रह सकते, उनका कनेक्शन नहीं लगा है, तो ये भी प्रार्थना विफल हो जाएगी। कोई भी प्रार्थना हो, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा चित्त माँ के चरणों में होना जरूरी है। शस्त्रार के ऊपर हमारा चित्त होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी प्रार्थना काम करेगी, वो प्रार्थना फलद्रूप हो जाएगी। जब हम शस्त्रार के ऊपर नहीं रहे, तो कोई भी प्रार्थना माँ तक पहुँच नहीं सकती। इसलिए हमेशा हमारा जो शस्त्रार है वो खुला रखेंगे। अब ये जो चैतन्य आ रहा है माँ से, वो हमें अंदर की तरफ कलाई तक खींचना चाहिए। हमें वाइब्रेशंस को खींचना जरूरी है, तो इसे खींच लेंगे। ये बहुत ही गंभीर्य पूर्वक हमें करना है। रोज करते हैं, ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं है। रोज हम नित्य नए हो जाएंगे ना, सहयोगी तो नित्य नए होते हैं। फूल जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं ना फूल, उसी तरह हमें होना है। नहीं तो मुरझाया हुआ फूल किस काम का, जो माँ के चरणों में भी नहीं जा सकता। फूल जो हम माँ के चरणों में चढ़ाते हैं, वो कैसा हरा भरा होना चाहिए। तो हम सहयोगी सब फूलों की तरह है ना, तो हमें हरा भरा होना जरूरी है। हमेशा प्रसन्न रहना है और दूसरों को सुगंध देना हमारा कार्य है। वही फूल माँ के चरणों में रह सकता है, नहीं तो बाकी के फूल तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है होना, हमें माँ के चरणों में रहना है, तो हमेशा प्रसन्न चित्त, मुस्कुराते हुए और हरा भरा होना चाहिए। ऐसा ही हम कार्य करना है हमें। अब हमारा लेफ्ट हैंड जो है कुंडलिनी के सामने, और राइट हैंड से हमारी कुंडलिनी ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे हमारा चित्त कुंडलिनी पर होना बहुत जरूरी है। चित्त कुंडलिनी पर, राइट हैंड से कुंडलिनी ऊपर उठा रहे हैं। धीरे धीरे शस्त्रार के ऊपर जा करके एक गांठ बांध देंगे, फिर दूसरी बार
कुंडलनी उठाते हैं धीरे धीरे, चित्त कुंडलनी पर, उसे महसूस होना चाहिए कुंडलनी आ रही है, वो नीचे से ऊपर आ रही है, ऐसा महसूस होना चाहिए, तभी कार्य होता है। शस्त्रार के ऊपर जाके दो गांठ बांध देते हैं। तीसरी बार धीरे धीरे कुंडलनी को उठाएंगे, तीन गांठ बांधते हैं, तीन गांठ, ठीक है। अब आ गई कुंडलनी ऊपर, कुंडलनी को उठाया हमने हाथों से, हाथों में वाइब्रेशंस है इसलिए कुंडलनी को उठाया, और शस्त्रार के ऊपर आ गई कुंडलनी, तो ऐसा होना चाहिए तभी कार्य है ये। अब कवच लेते हैं लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक, और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक, कवच हो गया। चित्त कवच पर रखना है हमें, बंधन सात बार लेते हैं लेकिन कवच जो है उस कवच पर हमारा चित्त होना जरूरी है, ठीक है। ये जो कवच है उसको हम ले रहे हैं और उस कवच के अंदर हम सुरक्षित रहना है हमें, ये बहुत जरूरी है। हमारे चित्त स्वच्छ होने चाहिए, हमारे चक्र हमेशा स्वच्छ होने जरूरी है। ठीक है, अब हमारे दोनों हाथ मां के सामने, फिर से देखते हैं वाइब्रेशंस आते हैं या नहीं। अभी थोड़ा वाइब्रेशंस को जोर लगा है, चित्त कुंडलिनी पर भी है, शस्त्रार के ऊपर भी अपने आप जा रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, सहज कनेक्टिविटी में, सहज में कुंडलनी ऊपर आती है क्योंकि सबकी कुंडलनी ऊपर आ रही है, तो सबको ये महसूस हो जाएगा कि हमारी भी कुंडलनी ऊपर आ रही है बिना प्रयास, कुछ किया नहीं, तभी अपने आप ऊपर आ जाती है। ये माँ की कृपा है, और कलेक्टिविटी में जो हम शुद्धता करते हैं खुद की, तो उसका फायदा कलेक्टिविटी को भी हो जाता है ना, इसलिए दूसरों के लिए हम खुद स्वच्छ होना जरूरी है। हमारी नसें स्वच्छ होना जरूरी है, हमारी चक्र स्वच्छ होना जरूरी है, उसे स्वच्छ करना है हमें रोज। कौन सा भी चक्र हमें पकड़ना नहीं चाहिए, कौन सी भी बाधा हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, स्वच्छता की और हमारा चित्त होना बहुत जरूरी है। शस्त्रार का जो पूजन हम करते हैं माँ की, शस्त्रार डे का, तो उसमें ये बात है कि हम स्वच्छ हो करके ही पूजन कर सकते हैं, नहीं तो हम पूजा के अधिकारी नहीं, क्योंकि माँ जो हमारी है वो स्वच्छ है, आदिशक्ति है, शस्त्रार स्वामिनी है। जब हम शस्त्रार में आते हैं तो पूरा स्वच्छ हो करके ही आते हैं, वो परमेश्वर का साम्राज्य है, परमात्मा का साम्राज्य है, और उस साम्राज्य में जाने के लिए हमें स्वच्छ होना जरूरी है ना। जब हम स्वच्छ नहीं रहते तो आज्ञा में अटक जाते हैं या विशुद्धि में अटक जाते हैं या नाभि पर खो जाते हैं, नाभि में। तो ये जो चक्र है हमें स्वच्छ करके शस्त्रार में रहने का प्रयास हमें रोज करना चाहिए। शस्त्रार डे का यही संदेश है कि जब हम शस्त्रार के ऊपर रहते हैं ना, तो हमारी स्वच्छता की और हमें ध्यान देना है। जब हम स्वच्छ नहीं रहते तो कोई सी भी निगेटिविटी अंदर आ सकती है, कोई भी वायरस हमें पकड़ सकता है, तो इसलिए हमारा शस्त्रार हमेशा खुला रख के उस शस्त्रार के ऊपर हमारा चित्त होना जरूरी है, और हमारे जो चक्र है वो हमेशा शुद्ध स्वरूप होना जरूरी है। कौन सा भी चक्र पकड़ने नहीं देना है हमें, पकड़ गया तो फिर से स्वच्छ करना है, उसे देखना नहीं है, हम पकड़ गया अब क्या करके करेंगे,
ऐसा रोना धोना लेके नहीं बैठना है हमें, हमें वो स्वच्छ करना है। लेफ्ट साइड पकड़ दिए, कैंडल ट्रीटमेंट लीजिए। राइट साइड पकड़ दिए, हाथ रख के वाइब्रेशंस दीजिए, लीवर ठीक कीजिए, हार्ट ठीक कीजिए, फिर हम शस्त्रार के ऊपर आएंगे। खाना भी हमारा ऐसा होना चाहिए, फल सब्जियां वगैरह हम ज्यादा खाना चाहिए हमें, तभी हम कुछ ध्यान की ओर चित्त देंगे। चमचमित खाना हम खाते हैं और सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शस्त्रार स्वामिनी जो है, माँ है, उन चरणों में हमें रहना है, तो शरीर का जो आराम है उसे छोड़ ही देना चाहिए, तभी हम शस्त्रार में रह सकते हैं ना, माँ के चरणों में रह सकते हैं। हम पूरे योगी है तो हम शस्त्रार के ऊपर रह सकते हैं या माँ के चरणों में रह सकते हैं। अगर हम पूरे योगी नहीं है तो हम गए काम से, फिर आओ नीचे, ऐसा हो जाता है ना। तो हमें हल्का फुल्का होना जरूरी है। आकाश तत्व में जब हम ध्यान करते हैं, वायु तत्व, तो हमारा शरीर वायु तत्व से भर देना चाहिए। वायु जैसा हल्का होना जरूरी है, वो कैसा होना है वो आप ही सोचिए। हमें कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, फल खाने हैं, सब्जियां खाने हैं, और शरीर हमारा तंदुरुस्त कैसा रहे, इसकी ओर हमें ध्यान देना जरूरी है अभी। तो जो सब्जियां है, जो योगी लोग है, ऋषि मुनि है, वो जंगल में क्या खाते थे, सब्जियां खाते थे ना, फल खाते थे ना, तो हमें भी थोड़ा ऐसा ही खा करके ध्यान करना है ना। अभी आनी बानी का जो काल है, इसमें हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, और हमारा जो खान पीन है वो अच्छे तरीके से होना जरूरी है। हमारे पेट को नरम रखना है, ज़्यादा भारी हमें कुछ खाना नहीं है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर होता है। अब हमारा राइट हैंड जो है वो हार्ट पर रखते हैं, पूरा चित्त आत्मा की ओर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं ही शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। इसे बोल करके धारण भी करना चाहिए। धारणा, धारणा कैसी करनी है? अब हम बैठे हैं तो वो स्थूल देह है, सूक्ष्म देह, इस चैतन्य का देह है। जो चैतन्य हम खींचते हैं ना, उस चैतन्य से वो देह बन गया है हमारा। देखिए, जो चैतन्य हम खींचते हैं वो चैतन्य से चैतन्य खींचते हैं। हाथ, जो हमारे हाथ है या उसमें उंगलियां है, उस उंगलियों से जब हम चैतन्य खींचते हैं, तो ये उंगलियां नहीं चैतन्य खींचती, उंगलियों के अंदर जो नस है और नस के अंदर जो चैतन्य भरा है, वो चैतन्य चैतन्य को खींचता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्थूल देह है वो मैं नहीं हूं। इस स्थूल देह के अंदर जो चैतन्य स्वरूप सूक्ष्म देह है वो मैं हूं, वो मैं आत्मा हूं, वो मैं शिव हूं। ये तो मां ने ही साक्षात्कार करा दिया है ना हमको, तो इसे कैसे भूल गए हम? खाली ऐसे ही बोलते हैं ना, श्री माता जी मैं आत्मा हूं, इससे क्या हम आत्मा बन जाते हैं? तो इसकी धारणा भी तो होनी चाहिए कि इसे कैसा बनना है, चैतन्य की ओर हमें कितना ध्यान देना है, उसे तो हमें जानना है ना। तो पूरा चित्त वाइब्रेशंस का जो पुतला जो है हमारा, वो आत्मा स्वरूप, उस पर हमारा ध्यान है, वो हृदय में है और वो मैं हूं। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, तभी ये धारणा हो गई ना। तो ये महसूस होना चाहिए कि हम खुद
आत्मा है और हम हृदय में बैठे हुए हैं, इसकी धारणा तो होनी चाहिए ना। और ये जो मैं हूँ वो स्थूल देह देख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही वो पर ब्रह्म का अंश हूँ, तो मैं ही आत्मा हूँ, ये धारणा हमेशा होनी चाहिए हमें। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड का जो तलवा है वो तालु भाग पर रखते हैं, थोड़ा दबा करके उसको घुमाते हैं तालु भाग को, और जहाँ हम ये घुमा रहे हैं तालु को, उस पर चित्त दे करके प्रार्थना करनी है। श्री माता जी आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपया हमारे सहस्त्र दल कमल पर विराजमान हो जाइए, प्रार्थना है माँ से, गुजारिश है, भक्ति पूर्वक हमें बोलना है। श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। ठीक है, अब जो हाथ है वो 7-8 इंच ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखते हैं तालु भाग से कुछ ठंडी हवा या गर्म हवा हमारे हाथों पर लगती है, थोड़ा आगे पीछे गोल घुमा के देखते हैं उसको, तो ये हम सस्त्रार के ऊपर आ रहे हैं, ये पहला चरण है। ठीक है, हाथ नीचे लेते हैं, चित्त से देखते हैं हमारी कुंडलनी सस्त्रार को छेद करके ऊपर आ गई क्या, देखते हैं, देखना है उसको, सहज में आ जाती है कुंडली। हम विराट की ओर चित्त देते हैं ना, क्योंकि हमारी उड़ान ऊपर की तरफ है, जो दिया का लौ होता है ना वो नीचे की तरफ रखी है तो ऊपर की तरफ ही जाती है, वो दिया जो होता है वो निसर्ग के विरोध में है, कोई भी वस्तु जो होती है जड़ ऊपर फेंक दिया तो नीचे ही आती है वो, लेकिन एक ही ऐसा अग्नि तत्व है वो नीचे की ओर से ऊपर जाता है, उसे कितना भी नीचे फेंक दो वो ऊपर ही जाएगा, लो इसका वो अग्नि तत्व, वो आत्मा है, वो तेज तत्व है, तो उसे हमें मालूम होना चाहिए कि जो अग्नि है वो ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे कभी नहीं आता वो। अब हमारा चित्त सस्त्रार के ऊपर है, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि विराट के जो चक्र है उसे हमें महसूस करना है, आज हमें वो महसूस करना है विराट के चक्र, आज सस्त्रार के डे के दिन हमें विराट के जो चक्र है उसे हमें मालूम करना चाहिए, वो सस्त्रार में भी है, सस्त्रार में ही है, जो 7 चक्र हमारे नीचे है शरीर में है उसका जो मेन है, मेन सेंटर जो है वो सस्त्रार है, और इस चक्र के जो शक्ति पीठ है वो सस्त्रार में ही है सब, तो हम कभी भी नीचे की ओर नहीं हमें ध्यान करना है। कलेक्टिविटी में हम करते हैं चक्र पर ध्यान, मूलाधार में करते हैं, नाभि पर करते हैं, हृदय में करते हैं, लेकिन हमारा चित्त सस्त्रार के ऊपर ही रखना है, हमेशा नीचे नहीं आना है, क्योंकि सस्त्रार पूरी तरह से हमारा अभी खुला नहीं है, तो जब ये पूरी तरह से खुलेगा तब हम परिपक्व सहयोगी हो जाएंगे, और जब हम परिपक्व सहयोगी हो जाएंगे तभी हमें नीचे के चक्र क्या है वो मालूम हो जाएंगे, अपने आप वो फिरने लगेंगे, घूमने लगेंगे, या उस चक्र को हम महसूस कर लेंगे। ठीक है, अब हम सस्त्रार में जो चक्र है उन पर थोड़ा कार्य करने वाले हैं आज, सस्त्रार
डे के दिन हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि विराट के जो चक्र है वो सस्त्रार में है। नीचे के चक्र जो है सात चक्र, उसका कंट्रोल सस्त्रार के चक्र में है, और सस्त्रार के चक्र का जो कंट्रोल है वो विराट के चक्र में है। बात मालूम हो गई? ऐसा है, उसका स्विच ऊपर की तरफ है। तो शुरू करते हैं हम। हमारी जो राइट हैंड की विशुद्धि की उंगली है वो विशुद्धि चक्र पर रखते हैं। पहले, सबसे पहले विराट का जो स्थान है विशुद्धि है, और विराट की शुरुआत जो है विशुद्धि चक्र से होती है। जो कृष्ण का चक्र है या विष्णु का चक्र है वो सस्त्रार चक्र है। तो शुरुआत जो है विशुद्धि चक्र से करते हैं। हमारी राइट हैंड की जो विशुद्धि की उंगली है वो विशुद्धि चक्र पर ऐसे रखते हैं। खाली रखना है और लेफ्ट हैंड से वाइब्रेशंस ले करके राइट हैंड की उंगली से, जो विशुद्धि की उंगली से, चैतन्य विशुद्धि को देते हैं हम। श्री माता जी, आप ही साक्षात राधा कृष्ण है। श्री माता जी, कृपा करके हमें साक्षी स्वरूप बना दीजिए। ये जो श्री कृष्ण का चक्र है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, जो विराट का मूल है। मूल जो बोलते हैं, मूल स्थान विराट का, क्योंकि श्री कृष्ण जो है विराट है। और जो हमें बीमारी आती है तो सबसे पहले ये चक्र खराब हो जाता है, इसलिए हमारा ये चक्र बिल्कुल ठीक करना चाहिए। हमें जरा भी पकड़ गया तो उसे ठीक करना है। हमें कैसे ठीक करना है माँ ने बता दिया है आपको, सबको मालूम है। राइट हैंड की जो विशुद्धि की उंगली है वो हमने विशुद्धि चक्र पर रखा है, तो थोड़ा चित्त विशुद्धि पर देते हैं। जहां पर उंगली रखी है उस पर थोड़ा, और थोड़ा दीर्घ श्वसन करते हैं। दीर्घ श्वसन चित्त विशुद्धि पर रख करके, जब हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो उंगली का जो दबाव होता है वो विशुद्धि पर ज्यादा पड़ता है, तो इससे विशुद्धि खुलती है ज्यादा, और विशुद्धि चक्र ठीक होने लगता है। उसमें 16 पंखुड़ियां है। सब चक्र छूट जाएंगे लेकिन विशुद्धि चक्र जल्दी नहीं छूटता, और पकड़ भी जल्दी जाता है, इसलिए उसे बहुत ही संभल कर रखना चाहिए। हमें जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो जनाह का चक्र है। संवाद करते हैं, बोलते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो मीठा बोलना चाहिए हमें, गोड़ जिसे बोलते हैं ना, मीठा मीठा बोलना चाहिए, और लोगों के हित का बोलना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया ना, प्रियम वदे हितम वदे, प्रियम वदे हितम वदे, यानी जो लोगों को प्रिय है वो बोलना चाहिए मीठा, और हितम वदे यानी जो लोगों के हित के जो है, हित का जो है वो बोलना है हमें, जिससे लोगों का हित हो जाए, ऐसा ही हमें बोलना है। अर्वाच्य भाषा हमें नहीं निकलनी चाहिए हमारे मुंह से, कोई भी बुरी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। किसी को हम शाप नहीं दे सकते, ऊंची आवाज से नहीं बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। श्री कृष्ण मधुसूदन है ना, मधुसूदन यानी कि मीठा बोलने वाले, माधुर्य, उनमें माधुर्य है, तो हमारे चक्र पर भी माधुर्य होना जरूरी है, माधुर्य आना चाहिए। सहज योग का हम प्रसार करते हैं तो
हमारे अंदर माधुरी होना जरूरी है। वो जनह का चक्र है, जन संपर्क। जन संपर्क हम इसी से करते हैं ना, लोगों से जुड़ते हैं तो इसी से जुड़ते हैं ना, वायरल जो होता है तो इसी से होता है ना, वायरल प्रॉब्लम भी आता है तो इसी चक्र से आता है ना, ऐसा है ना। तो हमें ये समझ लेना चाहिए ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है, विराट का है। और विराट के हम एक सेल है मालूम होना चाहिए, विराट का सेल। अब हम हंस चक्र पर थोड़ा सा प्रेशर देंगे। हंस चक्र जो है दो भ्रुकुटी के मध्य में, हंस चक्र को थोड़ा दबाते हैं, उसे प्रेस करते हैं, किसी भी उंगली से कीजिए, हंस चक्र को थोड़ा दबाते हैं। हंस चक्र स्वामिनी श्री माता जी, आप ही साक्षात हंस चक्र स्वामिनी है, कृपया हमारा हंस चक्र ठीक कर दीजिए। अब हंस चक्र कैसा पकड़ता है ये आपको मालूम है, गणेश तत्व खराब होने से हंस चक्र खराब हो जाता है। वो कैसे, किसी को मालूम नहीं रहता कि हंस क्यों पकड़ रहा है मेरा, क्योंकि ये विचार से संबंधित चक्र है। जब हम बुरी नज़र से देखते हैं किसी को, या लोग हमारी तरफ बुरी नज़र से देखते हैं या विचार करते हैं, तभी हमारा हंस चक्र खराब हो जाता है। ये हमें खून गांठ बात लेनी चाहिए कि वो कैसा खराब होता है। तो हमारा मूलाधार चक्र हम ठीक करेंगे तो हंस चक्र भी अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों, गणेश जो है वो हमें सुबुद्धि देते हैं, सद सद विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि जो है वो हंस चक्र से आती है, क्योंकि हंस जो है दूध और पानी जो मिक्स करके दिया हंस को, तो हंस सिर्फ दूध ही पीता है, पानी ग्लास में ही रह जाता है, ऐसा है। तो दूसरे लोगों का जो गलत काम है या गलत विचार है, उसे हमें अंदर की तरफ नहीं लेना है, दूसरे के दोष हमें नहीं लेना है, उसकी अच्छी बात जो है उनकी वो हमें लेना है। तो हमारा चित्त दूसरों के अच्छे गुण पर जाना चाहिए, गलत गुण पर नहीं, वो ऐसा है वैसा है ऐसा नहीं, उनके अच्छे गुण है वो हमें देखना है, तभी हंस चक्र ठीक हो जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रेस किया हल्का पड़ जाएगा, ये इसे करना है आज। हाँ, अब हमारा आज्ञा पर थोड़ा कार्य करेंगे। आज्ञा पर उंगली रख के थोड़े दबाते हैं, कौन सी भी उंगली दबाइए, आज्ञा की उंगली दबाए तो भी चलता है, थोड़ा प्रेस करके घुमाना है उसे सब विदिशा में, चक्र जैसे घुमाते हैं ना वैसे, थोड़ा दबा के घुमाना है, थोड़ा प्रेस करना है इधर उधर, आज्ञा के साइड में भी थोड़ा प्रेस करना है। ठीक है, तो आज्ञा भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा दुखता है इधर, क्योंकि जब हमारा ये चक्र पकड़ता है तो थोड़ा दुखता है, दुखने दो कोई बात नहीं, लेकिन चक्र ठीक हो जाएगा। आज्ञा पर हम कार्य कर रहे हैं, उसे प्रेस करके थोड़ा घुमाना है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है वो विराट की विशुद्धि है, उस पर हम कार्य करेंगे, जहां पर बाल हमारे शुरू हो जाते हैं, थोड़ा उसको दबाते हैं। राइट हैंड की जो उंगली दुखती है तो राइट लेफ्ट हैंड की उंगली से कार्य कीजिए, खाली उसको दबाना है। विराट की विशुद्धि, उस पर कार्य करेंगे, थोड़ा दबाते हैं। ये विराट के चक्र है सब। आज जो विराट का प्रॉब्लम हमारे सामने आया है, तो ये चक्र भी हमारे ठीक होने चाहिए, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होनी चाहिए, इसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। विराट के चक्र जो है वो ऐसे है, कपाल के ऊपर जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ विशुद्धि चक्र है, विराट का विशुद्धि चक्र है। ठीक है, उस पर कार्य कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दबा रहे हैं उसको। ठीक है, उसके पीछे राइट नाभि है, उसको भी थोड़ा दबाना है, राइट नाभि पर थोड़ा कार्य करते हैं। कौन से भी हाथों से दबाइए, दबाना जरूरी है। राइट नाभि,
ठीक है, इधर उधर थोड़ा किया तो चलता है, एक ही जगह नहीं, थोड़ा सा इधर उधर भी दबाते हैं तो मालूम हो जाएगा चक्र कहाँ पर है। ठीक है, अब शस्त्रार पर दबाते हैं, थोड़ा शस्त्रार पर दबाते हैं, जो हृदय चक्र है, शस्त्रार के राइट साइड में भी थोड़ा दबाना है, शस्त्रार और शस्त्रार के लेफ्ट में भी थोड़ा दबाना है। लेफ्ट हैंड से कीजिए, राइट हैंड से कीजिए, लेकिन दबाना जरूरी है। हम शस्त्रार के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उस पर जो हृदय चक्र है, जो आज पकड़ जाता है ना, हृदय बहुत जोरों से पकड़ रहा है, तो इससे ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि शस्त्रार खुल गया तो हृदय भी खुल जाता है। हृदय का खुला होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे लेफ्ट नाभि है, शस्त्रार के पीछे लेफ्ट नाभि, उस पर थोड़ा कार्य करेंगे, थोड़ा दबाएंगे। ठीक है, ये शस्त्रार के ही सब अंग प्रत्यंग है, इसीलिए उस पर हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी देवी देवता विराजमान रहते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए। थोड़ा लेफ्ट नाभि बोलते हैं इसको, शस्त्रार के पीछे, और शस्त्रार के आगे जो रहता है वो राइट नाभि होती है। ठीक है, थोड़ा दुखता है उस पर ज्यादा दबाना है, दुखने दीजिए, थोड़ा कम हो जाएगा वो, जो चक्र आपके पकड़े हैं इसलिए वो दुखता है, अगर उसे ज्यादा प्रेस किया तो धीरे धीरे कम हो जाएगा ये दुखना, और हमारा ये चक्र भी ठीक हो जाएगा विराट का। उसके पीछे जो भोरा है वो भव सागर है, उसको भव सागर बोलते हैं, जो भोरा है, सबके होते हैं भोरा, तो भव सागर है ना, ये राइट में भी है, राइट भोरा है, राइट नाभि, राइट भव सागर, लेफ्ट में है वो लेफ्ट भव सागर, अल्टरनेट होता है वो, इधर का उधर, उधर का इधर, राइट का लेफ्ट में राइट का, ऐसा बैक आज्ञा के ऊपर थोड़ा, या भोरे के थोड़ा सा पीछे लेफ्ट स्वाधिष्ठान होता है, उसको दबाना है। ठीक है, दबाइए, थोड़ा कार्य करते हैं तो जोर से शस्त्रार खुलेगा, इससे कार्य जब हम करेंगे ना तो शस्त्रार पूरा खुल जाएगा, क्योंकि इतना जोर है तो शस्त्रार उतने ही जोर से खुलता है, मालूम हो जाता है, उससे महसूस हो जाता है। इसके पीछे बैक आज्ञा है, इसके पीछे बैक आज्ञा है, हम समझते हैं बैक आज्ञा पकड़ गए, लेकिन बैक आज्ञा कभी नहीं पकड़ती, बैक आज्ञा के ऊपर जो लेफ्ट स्वाधिष्ठान है वो पकड़। ये तो महागणेश जी है, इस चक्र पर थोड़ा कार्य करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोनों हाथ फिर से मां के सामने कर दिया, पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे है, वाइब्रेशंस पे है, दोनों तलवों पर देंगे और शस्त्रार पे, जहां जहां हमने अपनी उंगली रखी है शस्त्रार के उपरांत, शस्त्रार के पास जो विशुद्धि है, नाभि है, लेफ्ट नाभि है, उस पर थोड़ा चित्त से कार्य करेंगे, चित्त देंगे उस पर, ये शस्त्रार का ही भाग है, उस पर कार्य, पूरा शस्त्रार व्याप्त कर देंगे, उस पर चित्त देंगे थोड़ा, जहां जहां हमने दबाया है हाथों से उधर उधर चित्त से हमें देखना है कि हमें क्या महसूस होता है। शस्त्रार पूरा खुल गया, ये शस्त्रार का ही भाग है, वो ब्रह्मरंध्र अलग बात है, अलग बात है, लेकिन शस्त्रार की जो पंखुड़ियां है, ये पंखुड़ियां का मतलब है कि जो
चक्र है ऊपर के जो हमने अभी दबाए है, उस चक्र पर हमारा चित्त होना जरूरी है। वो सहस्त्रार की पंखुड़ियां है, तो कितनी पंखुड़ियां हमारी खुली हुई है इसे तो देखेंगे ना, इसे तो देखना चाहिए। तो पूरा सहस्त्रार खुलना जरूरी रहता है, इसीलिए इस पर कार्य करना जरूरी है, विराट के चक्र पर। ठीक है, अब पूरा चित्त सस्त्रार के ऊपर लाएंगे हम, सस्त्रार के ऊपर। अगर नहीं आता तो राइट हैंड जो है वो सस्त्रार के ऊपर थोड़ा रखिए, 7-8 इंच से ऊपर, और देखिए कुंडलनी सस्त्रार के ऊपर है क्या, आ रही है क्या, थोड़ा सा गोल घुमा के देखिए, आ रही है। तो हाथ नीचे लेते हैं, चित्त से देखते हैं सस्त्रार के ऊपर आ गई क्या कुंडलनी। ठीक है, सस्त्रार के ऊपर 3.5 फुट पर हमारा चित्त होना जरूरी है। देखिए 3.5 फुट पर, वहां एक सब स्टेशन है, रेलगाड़ी जाती है ना, तो स्टेशन पर रुक रुक के जाती है, सीधा पुणे नहीं जाती है। तो थोड़ा बीच में जो स्टेशन है उस पर रुक के जाती है ना, तो हमें पहला रुकना जो है वो 3.5 फुट पर है। थोड़ा सा देखते हैं ऊपर कुंडलनी पूरी शक्ति के साथ ऊपर आ रही है। फिर दूसरा स्टेशन 7 फुट पर है, 7 फुट, 7 फीट, देखते हैं। तो चित्त ऐसा देना है सस्त्रार के ऊपर से 3 फुट, 3.5 फुट पर, और उधर थोड़ा रुक करके फिर 7 फुट ऊपर, 3.5 फुट ऊपर, ऐसा चित्त देना है। 2 बार जब हम रुके हुए उधर भी चित्त देना है और इसके ऊपर भी हमें चित्त देना है। देखिए कैसा होता है, पॉज लेना है, उसको पॉज लेना बोलते हैं, रुकना है। जब शंख बजते हैं ना, शंख बजाते हैं तो वायु उसमें छोड़ देते हैं पहले, बाद में क्या होता है, वायु को छोड़ना नहीं है, तो धीरे धीरे कम करना पड़ता है वायु को, तभी शंख बजता है ना। वैसा ही है सस्त्रार के ऊपर चित्त पूरा। फिर 7 फुट के ऊपर 14 फुट, 14 फुट हमें जाना है, जो 14 भुवन देवी ने बनाए हैं, 14 चक्र है हमारे शरीर में, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 चक्र है, जो 14 भुवन देवी ने बनाए, उस 14वें चक्र पर हमारा चित्त है, चित्त देंगे ऊपर 14 फीट पर। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिणा, इसका जो अर्थ है वो अलग है, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर की ओर जाना है। ये जो स्थितियां है वलय और प्रदक्षिणा, उसकी स्थितियां है, उस स्थिति को हम जरूर प्राप्त कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, माँ हमें ये रास्ता जरूर दिखाएगी। तो हमारा चित्त अब सस्त्रार के ऊपर रखना है, पूरा माँ से जुड़ना है, परम चैतन्य से जुड़ना है, और हमें गणेश मंत्र बोलना है, पूरा चित्त सस्त्रार के ऊपर रख करके, देखिए आकाश की ओर क्या करना है, आकाश तत्व पर पूरा चित्त देना है, पूरा चित्त आकाश तत्व पर, और गणेश मंत्र बोलना है। सबसे पहले गणेश मंत्र, आकाश तत्व की ओर चित्त देकर के, जो वाइब्रेशंस सहस्त्रार से निकल रहे हैं
उसे आकाश में हमें छोड़ना है, और छोड़ते वक्त गणेश का मंत्र बोलना है, श्री गणेश, निर्मल गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। आपके समझ में आ गया कि क्या करने वाले हैं? ओम ऐसा बोलते ही क्या करना है? सहस्त्रार से चैतन्य लेकर के ओम ऐसा म खत्म हो जाता है सहस्त्रार के ऊपर आकाश तत्व में, और जो मंत्र आगे का है गणेश वो आकाश तत्व में आना चाहिए। तो ओम ऐसा दीर्घ स्वर में हम इसलिए बोल रहे हैं कि सहस्त्रार से जो चैतन्य हमें ऊपर की ओर ले जाना है, और म होते ही पूरा चित्त आकाश में होता है, चैतन्य पूरा आकाश में होता है, और आगे का मंत्र आकाश तत्व में रह करके हमें बोलना है। मंत्र बोलते ही वाइब्रेशंस पे चित्त आ जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई तो आगे का मंत्र हम बोलेंगे। श्री माता जी ओम समझ में आ रहा है? शस्त्रार से वाइब्रेशंस लेकर के शस्त्रार के ऊपर आ गए आकाश तत्व पर, म बोलते हैं त्वमेव साक्षात् श्री माता जी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। पूरा चित्त आकाश में है ना, तो वाइब्रेशंस भी देना चाहिए, वाइब्रेशंस पर भी चित्त है हाथों पर, तो उसे महसूस करना है हमें। ठीक है, अगला मंत्र, सब मंत्र नहीं लेते लेकिन जो हमारे हित में है वो हम कर रहे हैं, पूरा शस्त्रार के ऊपर चित्त दे करके वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे, और शस्त्रार के जो देवी देवता है उसको जगाने के लिए कुछ मंत्र हम बोल देते हैं। मंत्र बोलते ही जो हम फूल है उसे, जो फूल है तो अर्पण कर दीजिए माँ के चरणों में, अगर नहीं है तो पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर हमें रखना है। कैसा रखना है हमें मालूम हो गया है, ओम ऐसा बोलते ही शस्त्रार से चैतन्य लेके आकाश तत्व में परम चैतन्य में लीन होना है, और आगे का मंत्र बोलना है। ठीक है, महाराजनी श्री महाराजनी ओ त्वमेव साक्षात् श्री महाराज्ञी नमो नमः। देखिए आकाश तत्व के ऊपर चित्त है, महाराज्ञी आकाश तत्व में होना चाहिए, और ओम जो है वो बीच में, यानी कि शस्त्रार से आकाश तत्व तक ओम बोलना है, वो प्रवास ओम से करना है, और मंत्र आकाश में बोलना है। देखिए ये बहुत जरूरी है, मंत्र बोलते ही चित्त वाइब्रेशंस पे होना चाहिए, ऐसा हमें करना है और चैतन्य को महसूस करना है। देव कार्य समुद्यता ओ
मामेव साक्षात् श्री देव कार्य समुद्यता नमो नमः। वाइब्रेशंस पर भी चित्त आपको महसूस होना चाहिए कि हम परमात्मा के चरणों में सचमुच बैठे हैं, तो उसी तरह के वाइब्रेशंस आएंगे ना। अगला मंत्र लेते हैं। विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु ग्रंथि विभेदिनी नमो नमः। हम एक एक फूल माँ के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, चित्त से एक एक धागा निकाल करके माँ के चरणों में रख रहे हैं। 108 धागे कुंडलिनी को है, एक एक धागा निकाल करके माँ के चरणों में आ जाते हैं, इसलिए ऊपर की ओर जाते हैं। ओम बोलते ही शस्त्रार से ऊपर आकाश तत्व पर, और मंत्र जो है आकाश तत्व में रहकर बोलते हैं। आगे का मंत्र भक्ति प्रिया। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भक्ति प्रिया नमो नमः। उसमें एकाकारिता होना है तो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। जहाँ हम पहुँच जाते हैं ना, उसी के वाइब्रेशंस हाथों में भी आते हैं, वो महसूस करना है। निर्मला। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला नमो नमः। निष्कलंका। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निष्कलंका नमो नमः। वाइब्रेशंस पर भी चित्त होना चाहिए। निराकारा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निराकारा नमो नमः। निर्गुणा। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्गुणा नमो नमः। तो मंत्र ऐसे बोलने चाहिए, खाली कर्म कांड करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अंदर का जो माला है ना, उस माला पे हमें जप करना है। अंदर की माला जो कुंडलिनी की माला है, उस माला को जपना है, उस पर चित्त दे करके ओम ऐसा बोलते हैं। शस्त्रार से चैतन्य निकल करके आकाश की ओर जाना चाहिए, और जो मंत्र है वो आकाश में रह करके बोलना है। फिर उधर से जो उत्तर आता है तो चित्त वाइब्रेशंस पे देना है, ऐसा हमें करना है। आगे का मंत्र निष्पापा। ओ त्वमेव साक्षात् श्री निष्पापा नमो नमः।
ये माँ के चरणों में रुजू हो जाता है। तभी आपने जो फूल माँ के चरणों में रखा है ना, वो रुजू हो गया, क्योंकि वाइब्रेशंस आते हैं। वाइब्रेशंस नहीं आए तो ये फूल रुजू नहीं हुआ। तो हम ऐसा ही करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है। विश्व रूपा ओ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वरूपा नमो नमः। महसूस होना चाहिए। रक्षा करी जो सबको रक्षा करने वाली है, सबकी रक्षा करने वाली है, तो इसे महसूस करना चाहिए ना, रक्षा करी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी नमो नमः। वाइब्रेशंस पे भी चित्त पहुंचता है या नहीं? आपका जो मंत्र है या फूल फल आदि है, वो उस पर पहुंचता है क्या नहीं, वाइब्रेशंस पे देखना है ना। तो जा करके हम फूल माँ के चरणों में रख देते हैं और ओम का सहारा लेकर के तो ऊपर जाते हैं ना। ऊपर की ओर जाना चाहिए, माँ तो ऊपर है, नीचे कहाँ है। ऊपर जाके फूल रख करके फिर माँ का मंत्र बोलते हैं, फिर वाइब्रेशंस आते हैं। माँ बोलती है ना, ठीक है, प्रसन्न हो गई, तो वाइब्रेशन से पता चल जाता है। आगे का मंत्र थोड़ी ही मंत्र लेंगे। सांद्र करुणा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सांद्र करुणा नमो नमः। राक्षस अग्नि, देखिए राक्षस अग्नि मंत्र भी ऐसा बोलना चाहिए कि ये कोरोना जैसा राक्षस खत्म हो जाए। तो हमें ही त्वेष नहीं है, हमें ही वीरत्व नहीं है, तो वो राक्षस तो कैसा खत्म हो जाएगा ना। हम माँ के बेटे हैं तो वीर होना जरूरी है, तो मंत्र भी वैसा ही बोलना है हमें, वीर जैसा, तभी वो खत्म हो जाएगा। शस्त्रार से लेकर के ऊपर की ओर चित्त देख करके मंत्र ऊपर की ओर बोलना चाहिए। राक्षस अग्नि त्वमेव साक्षात् श्री राक्षसग्नि नमो नमः। वाइब्रेशंस पे चित्त। गुरु मूर्ति ही ओम त्वमेव साक्षात् श्री गुरु मूर्ति ही नमो नमः। आदि शक्ति ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रख करके
अभी 4 मिनट हम ध्यान में जाएंगे, 3-4 मिनट उसका आनंद लेंगे सस्त्रार का। Here's a secret. You can pay your credit card bills on Cred and earn Cred coins. Use them to claim cashback. Subscribe कीजिए कुंडली जा। लेकिन 14वां जन्मदिन से बहुत क्योंकि मनुष्य 14 स्तर को रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लाल जाता है तो वो पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है, इसलिए आज सहयोग ही सहयोगी हो गया। आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट राइट
जब दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का, तो 7 × 14 वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियां तो पहले ही क्रॉस करनी पड़ती है जब आप सोचता है। और अगर इसको आप समझ लें कि साथ ये और ऊपर के साथ, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझें, इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम स्वयं के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। काजना विराजना ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे थे, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए। सहस्त्रार्थ के दिन राजना विराजना। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्री फल का, नारियल को श्री फल का, नारियल को श्री फल कहा जाता है। श्री फल जो नारियल है इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, ये जो बड़ी सोचने की चीज है, इसे श्री फल क्यों है? ये समुद्र के किनारे और कहीं होता है, सबसे अच्छा जो जो फल होता है समुद्र के, वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है, जहाँ धर्म होगा वहाँ श्री फल पर, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्री फल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बची रहती है, हर तरह की सफाई गंदगी हर चीज इसमें होती, ये पानी भी नमक से भरा इसका नमक, जिसका बच्चों ने कहा था तो संसार के नमक, अरे हर चीज में आप पूछ सकते हैं, हर चीज में आप चित्त शस्त्रार के ऊपर ही है, आकाश में है। से आप महसूस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे और मां को देखेंगे। चित्त ऊपर की ओर ही रहना है, चित्त को आकाश तत्व पर, खाली माँ को देख रहे हैं और वाइब्रेशंस को भी महसूस कर रहे हैं। तो पूजा हमारी इस तरह से हमें करनी है, खाली कर्म कांड करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारी कुंडलिनी पर हमारा चित्त होगा, वाइब्रेशंस पर चित्त होगा, तभी हमारी पूजा सफल हो जाएगी। तो जो भी हम बाहर की पूजा करते हैं तो इसके बजाय अंदर की पूजा हमें अधिक लाभदायक रहती है, क्योंकि कुंडलिनी माँ प्रसन्न रहती है, इसलिए अंदर की पूजा होना बहुत जरूरी है। तो हम अब माँ की आरती करेंगे, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है, आरती की तैयारी कर दीजिए। आरती करनी है हमें, खड़े रहना है सबको।
पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हमें माँ की आरती करनी है। रोज करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी करते हैं हम पूरा शस्त्रार के ऊपर रहकर हमें करना है, क्योंकि माँ शस्त्रार में है ना, तो चित्त भी उधर ही होना चाहिए। आरती की तैयारी हो गई, हाँ अब हम आरती शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश की आरती करते हैं हम। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उपशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्न खचित फोरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा ऋण झुणती नूपुरे चरणी घाघरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ कितने लिए अवतार विश्व में तेरी महिमा विश्व में तेरी महिमा तू गंगा जमुना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको बैठ के दिल में ओ माँ बैठ के दिल में ओ माँ लौट के ना जाना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना मानव में अवतर के कर दिया उजियाला कलयुग में माया है कलयुग में माया है
फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आवे तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। ओ यसके जो सेवा, ओ यसके जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ देना। तीन महामंत्र बोलेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो। साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार
स्वामिने मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देव नमो नमः श्री निर्मला देव नमो नमः श्री देव नमो नमः बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। माँ को नीचे माथा टेक करके नमन करेंगे। अब दोनों हाथ माँ के सामने रख करके हमें माँ को देखना है और चित्त वाइब्रेशंस पे और शस्त्रार के ऊपर आकाश तत्व पर हम शस्त्रार से जुड़े हुए हैं ऊपर की ओर परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो उसे जोड़ना ही है हमें जुड़कर ही रहना है हमेशा। माँ से प्रार्थना यही करनी है कि माँ हमें हमेशा शस्त्रार की और परमात्मा से जुड़े रहने की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम शक्तिशाली हो जाए और सहज का कार्य और ज़्यादा हमारे हाथों से हो यही प्रार्थना करेंगे माँ से। विश्व के सभी सहयोगी पूर्णतया शक्तिशाली हो जाए वो पूर्णतया शस्त्रार के ऊपर रह करके परमात्मा से जुड़ जाए हमेशा वो हमेशा निरोगी रहे सब सहयोगी हमेशा निरोगी रहने का वरदान दीजिए माँ सब सहयोगियों को निरोगी बनाइए उनको हमेशा हरा भरा बना दीजिए चैतन्यमय बना दीजिए सब सहयोगियों को बीमारियों से मुक्त कर दीजिए और सबको शस्त्रार के ऊपर रहने की क्षमता दीजिए माँ को नमन करते हैं उनका आभार प्रदर्शन करते हैं। श्री माता जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। अब हम फिर से बंधन लेंगे लेफ्ट हैंड जो है कुंडलिनी के सामने राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर हो एक गांठ बांधते हैं दूसरी बार चित्त कुंडलनी पर है दो गांठ बांधते हैं तीसरी बार धीरे धीरे करना है तीन बार कुंडलनी को बांधते हैं तो हमेशा कुंडलनी ऊपर रहेगी ना ऊपर की ओर कवच लेते हैं लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक कवच पूरा चित्त कवच पर
कवच पर चित्त है। अब हम हमेशा सहस्त्रार के ऊपर रहने का प्रयास करेंगे, आज से पूरा चित्त सहस्त्रार हमेशा हमारा खुला रहने का प्रयास करने खुला रखेंगे, उसको बंद नहीं करना है, सहस्त्रार के ऊपर ही ऐसा ही चित्त देना है। तो रात को सोते वक्त पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर हो, सुबह इसी अवस्था में उठ जाए, 5 बजे हम ध्यान के लिए बैठेंगे, लेकिन सोते वक्त पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर हो, उठते वक्त भी हमारा चित्त सहस्त्रार के ऊपर हो, ऐसे ही हमें ध्यान धारणा को बढ़ाना है। जय श्री माता जी।